दिल्ली की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए दिल्ली दस्तक न्यूज चैनल को और हर लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। देश भर में मार्च के महीने से महामारी का माहौल चल रहा है, तो वहीं इसी बीच देश में सरकार की लापरवाही कई बीमारियों को दस्तक दे रही है। जी हाँ, ताजा मामला दक्षिणी दिल्ली से सामने आया है, जहां दक्षिणी दिल्ली के मैदानगढ़ी गांव की मुख्य सड़क की हालत खस्ता होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर जब हमारे संवाददाता ने वहां के स्थानीय लोगों से बात की तो क्या कुछ नाराजगी जताई उन लोगों ने, सुनिए उन्हीं की जुबानी। काफी दो तीन साल से हमने शॉप जब से खुली है तब से दो तीन साल हो गए साहब, काफी इसी टाइम इसी सड़क है, काफी आए दिन वाहन गिरते रहते हैं, कई हादसे होते रहते हैं आए दिन। इतनी परेशानी होती है? बहुत परेशानी होती है, बारिश के टाइम तो आप पूछो मत, पूरा पानी पानी हो जाता है इधर और काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आप लोगों ने कभी शिकायत की विधायक या निगम पार्षद करी पर कौन सुनवाई कौन करता है? यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं करता है। तीन चार साल मुझे हो गए देखते हुए यहाँ पे गड्ढा हो रखा है, ये हर कुछ टाइम बाद भर जाता है, ठीक है, गाड़ियाँ फंस जाती हैं, बाइक वाले गिर, कल परसों तो बाइक वाले फिसला, निकलो तो छींटे पड़ते हैं पैरों पे कपड़ों पे, इतना गंदगी। इतनी परेशानी होती है आपको? बहुत ज़्यादा, अभी सारी परेशानी तो बताइए मैंने, दुनिया जान की परेशानी है भैया, मच्छर करिए सर, बहुत बार करिए कंप्लेंट लेकिन कुछ नहीं होता, ऐसे ही रहता है हमेशा। सड़क पे कितने जाम का खतरा लगा रहता है? यहाँ शाम को हमेशा जाम रहता है और यहाँ से साइडों से निकलो तो गिरने का डर रहता है, उस तरफ जाना उतना जाना हो ना वहाँ तक नहीं जा सकते। सुरेंद्र कौर, कितनी प्रॉब्लम होती है सड़क से? बहुत प्रॉब्लम है, हर टाइम प्रॉब्लम ही रहती है, इतनी दिक्कत है दुनिया भर की, सारा दिन बीमारियाँ इतनी फैल रही हैं और ये देखते ही नहीं है कोई पार्षद आके कि इसका क्या होगा क्या नहीं होगा। कितने टाइम से अम्मा जी ये सड़क ऐसी? चार साल से। आप बुजुर्ग हैं, आपको इस सड़क पर चलने में कितनी परेशानी है? मैं तो बड़ी मुश्किल से चलती हूँ। हाँ, क्या करें अब, लेकिन अब हमारे तो हाथ में नहीं है ना कि हम क्या अपील करना चाहेंगे प्रशासन से, इसको ठीक कराएं और क्या करनी है अपील हमने।